हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर चौधरी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड ब्रेक्स। शो का नाम है बातों बातों में। दोस्तों, आज बातों बातों में मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसी पर्सनालिटी से जो थिएटर और बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं और उसी के साथ साथ एक बेहतरीन टीचर भी हैं और उनकी छत्र छाया में बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। और अगर आपने एमएक्स प्लेयर पर आश्रम वेब सीरीज देखी है तो इस वेब सीरीज में उन्होंने एक बहुत ही कमाल का किरदार निभाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाबा निराला के आश्रम में हॉस्टल वार्डन के रूप में नजर आने वाले डिम्पी मिश्रा जी की। रात खत्म हो जाएगी, काम खत्म ना होगा तेरा। वो धब्बे जा नहीं रहे। अरे दाग तो चले भी जाएंगे पर तेरी जिंदगी पे जो कालिक लगी है उसे कैसे धोएगी? जपनाम बहन जी। जपनाम, कौन सी पिक्चर देख रही हैं? छलकती जवानी। नाम बताओगे? अरे ना ना जानी भाई जी, इतनी ठस दिमाग होती तो वार्डन ना होती। पम्मी ना, बैठो। अभी गई और अभी आई। तो चलिए आज आपको बातों बातों में आपको रूबरू करवाते हैं डिम्पी मिश्रा जी से। डिम्पी मिश्रा जी, बातों बातों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर, शाहरुख खान साहब का एक फेमस डायलॉग है ओम शांति ओम फिल्म का, किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। जी, जी। जब मैंने आश्रम वेब सीरीज देखी थी और आपका कैरेक्टर देखा था तो मैं बहुत प्रभावित हुआ था और सोचा था कि कभी ना कभी जिंदगी में मौका मिला तो मैं इनसे जरूर बात करना चाहूंगा, मिलना चाहूंगा। और देखिए, कुछ ही दिनों के बाद में थिएटर फेस्टिवल होता है और उसमें फिर आना होता है डिम्पी मिश्रा जी का, और फिर आमने सामने बैठकर बहुत सारी चीजें आपसे सीखने को मिलती हैं। इत्तेफाक है, देखिए इत्तेफाक कभी भी कहीं भी हो सकता है। और जहां तक रहा वेब सीरीज का बात, तो अब मैं सेकंड पार्ट तक ही कंटिन्यू मैंने किया था, थर्ड पार्ट शायद मैं उसका शूट शुरू हुआ है या आगे और बनेगा, बट आई एम नो मोर इन द थर्ड पार्ट ऑफ आश्रम। जी जी, तो चलिए एक बार आपके बचपन के गलियारों में आपको लिए चलते हैं, बचपन की उन सुनहरी यादों में ले चलते हैं जब मासूमियत का एक पड़ाव होता है और दुनियादारी से हम दूर होते हैं, अपने बचपन का आनंद लेते हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार थोड़ा सा हमारे दर्शकों से शेयर करें कि कहां आपका जन्म हुआ और किस तरीके से आपका बचपन रहा। कि मेरा जन्म आगरा में हुआ, मैं यहीं पला बड़ा और मैंने अपनी तालीम भी यहीं हासिल की। मैंने अपना ग्रेजुएशन तक का सफर यहीं तय किया आगरा में ही। और उसके बाद फिर क्योंकि मेरा पैशन और मेरा सपना थिएटर और एक्टिंग की फील्ड में ही अपना करियर बनाने का था, तो आई गॉट सेलेक्टेड इन भारतेंदु नाट्य अकेडमी। और उसके बाद फिर मैं लखनऊ भारतेंदु नाट्य अकेडमी चला गया और 2 साल का मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ से कम्प्लीट किया, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। और बस उसके बाद से फिर खुला मैदान और जद्दोजहद जारी शुरू किया काम। और क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं एक ट्रेनर एक टीचर के तौर पर अपना करियर बनाऊंगा बनस्पत के सीधे मुंबई चला जाने के जिम्मेदारियों को देखते हुए और मेरे इंटरेस्ट को देखते हुए, एक लंबा उससे पहले का सफर पूरा रहा आगरा में ही। बचपन से बहुत कम उम्र में मेरे फादर ने मुझे थिएटर में एंटर करा दिया था। मुझे याद है शायद मैं फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में था तभी से, तो वही खेलते कूदते पूरा पूरा ग्रेजुएशन तक का समय बीता, स्कूल्स के फंक्शंस। उसके बाद मैं एडमिशन एक टाइम में हुआ था IPTA इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, तो आगरा का उस वक्त एक अलग ही तरीके का एटमोसफेयर था शहर में और उन्हीं के साथ मैं खेलते कूदते बड़ा हुआ। और वहीं से ये सारा शौक और वहीं से वो सारी समझ और ये डिसाइड करने में वही दौर था जिसने सबसे ज़्यादा हेल्प किया कि भाई आप मैं यही कर सकता हूँ कि मैं थिएटर करूँ, मैं एक्टिंग करूँ, मैं एक आर्टिस्ट के तौर पर ही अपनी ज़िंदगी जीना चाहता था। और वैसा ही माहौल मुझे यहाँ मेरे ग्रेजुएशन तक जब मैंने कंटिन्यू किया एक्टा में तो वो एटमॉस्फेयर मुझे मिला और उसके बाद मैंने डिसाइडेड टू डू इट प्रोफेशनली।
बचपन से ही आपको थिएटर का माहौल मिला सर? एक तो चीज ये होती है कि हमारा बचपन से खुद का इंटरेस्ट रहता है, या फिर दूसरा जैसे थ्री डेट का डायलॉग है कि पैदा होते ही पापा ने कहा कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। तो आपकी खुद की इच्छा कब जागृत ये थी कि हाँ अब मुझे एक्टर बनना है, जब आपने खुद ने डिसाइड किया? समीर जी, असल में मैंने, जैसा मैंने आपको बताया ना कि बहुत बहुत कम उम्र में फादर का इंटरेस्ट था, तो फादर ने कहा चलो, पर उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये सोच के मुझे इस फील्ड में नहीं भेजा कि मैं कोई मुंबई चला जाऊंगा, ये कि बड़ा एज एन एक्टर बड़ा एस्टेब्लिश हो जाऊंगा। उनका सिर्फ इतना मन था कि वो हमेशा से देखते आए थे अपने स्कूल्स में, जब वो स्कूल में पढ़ा करते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, कि जो भी लोग थिएटर करते हैं, एक्टिंग करते हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में होते हैं, वो हमेशा औरों से अलग होते हैं। स्कूल में उनकी बड़ी इज्जत होती है ना, टीचर्स उनके प्रति एक अलग तरीके का एटमोसफेयर रखते हैं, है ना, वो बिल्कुल अलग होते हैं बच्चे जो गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं, उनकी स्कूलों में बड़ी इज्जत होती है। तो सिर्फ इतना ही सपना उनका, मेरे साथ भी था कि भाई ये बचपन से अगर ये गाएगा बजाएगा और एक्टिंग करेगा तो स्कूल में थोड़ा अलग से इसका रुतबा होगा। ये तो जब वो सब कंटिन्यू होता रहा और जैसा उन्होंने चाहा था वैसा ही होता रहा, फिर स्कूल में अलग नजरिए से बाकी सारे दोस्तों के बीच में था, टीचर्स के लिए भी मैं बड़ा प्यारा बन गया, तो ये तो मुझे लगता है कि मैंने प्रोफेशनली करने का सोचा शायद 8th 9th स्टैंडर्ड में, क्योंकि कंटिन्यूस करते करते तब तक इतना वक्त हो चुका था कि मुझे लगता था कि नहीं, मैं शायद कुछ और नहीं कर पाऊंगा। और यही वो चीज है जो मुझे समझ में आती है, जिसे करने में मेरा मन लगता है, तब मैंने डिसाइड किया 9th 10th। पहली बार आपका मैं चाहूंगा कि शेयर जरूर करें कि पहला ऐसा कौन सा नाटक है जो आपने बचपन में किया हो और जो आपको अब तक बहुत बेहतरीन तरीके से याद हो कि हाँ यार वो जो नाटक था बहुत ही कमाल था। देखिए ऐसी मुझे याद आता है कि जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था तो मैंने एक शो किया था, उस शो का नाम था मैं भी पढ़ूंगा। मुझे हमेशा वो नाटक याद रहेगा क्योंकि वो पहला ऐसा शो था जिसमें मुझे एक थोड़ा मैच्योर कैरेक्टर दिया गया करने के लिए, और वो फिरोजाबाद के बाल श्रमिकों पर आधारित एक नाटक था। फिरोजाबाद में बच्चों को चूड़ियों के कारखानों में भेज दिया जाता है और जिस तरीके से उनकी पूरी जिंदगी एक्सपॉयल हो जाती है उन कारखानों में काम करते करते, उन बच्चों की पढ़ाई को लेकर, उनमें जागरूकता लाने को लेकर बाल श्रम के अगेंस्ट ये एक नाटक था जिसमें मुझे एक बड़ा अच्छा करेक्टर करने को मिला। तो मुझे वो नाटक हमेशा याद रहता है, उसका गीत, उसका संगीत, उसके कैरेक्टर्स, वो हमेशा याद रहेंगे। जी सर, अक्सर थिएटर एक्टर की कहीं ना कहीं एक चाहत होती है कि जब मुझे अपनी एक्टिंग की कला लोगों को दिखानी है तो सिर्फ कुछ लोगों के सामने ही क्यों, पूरे हिंदुस्तान को क्यों नहीं या पूरे वर्ल्ड को क्यों नहीं? तो क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया कि आप जो है मुझे अपना रुख फिल्मों की तरफ करना चाहिए या फिर वेब सीरीज तो अभी आई है, क्या कभी ऐसा पहला जब मौका जब आपको लगा कि हाँ थिएटर के साथ साथ अब मुझे फिल्मों में भी अपना लग आजमाना चाहिए? समीर, मुझे सच बताऊं ना तो कभी नहीं लगा, ये सच्चाई है, क्योंकि मैं इतना बिजी था, मेरे पास इतना सारा काम था, इतने सारे नई नई चीजें थी करने के लिए कि मुझे वक्त ही नहीं मिलता, कुछ कभी वक्त ही नहीं मिला। तो ना तो वक्त मिला और न जाने क्यों मेरी कभी ऐसी कोई एक अलग सी इच्छा नहीं हुई कि मुझे अब ये वक्त आ गया जब मुझे ये करना चाहिए, ऐसा कभी हुआ नहीं। ये सिर्फ एक इत्तफाक है, इत्तफाक ऐसा कि मैं बिजी था, मैं अपनी उसी दुनिया में बिजी था, रोज शाम की रिहर्सल्स, बैक टू बैक शोज, दुनिया जहां की ऑडियंस, शहर का इतना प्यार, शहर के लोगों का इतना सपोर्ट जो अमूमन थिएटर के लोगों को कम कर देखने को मिलता है, लेकिन मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे अपने शहर में, आगरा जैसे शहर में, बुजुर्गों का इतना प्यार, ऑडियंस का इतना सपोर्ट मिला कि हम लोग खुश थे। अचानक से बीच में एक फिल्म आती है और उसके लिए मुझे चुना जाता है कि आप करिए रोल, तो पहला मेरे लिए बड़ा, मैं बहुत हिचकिचाया, बहुत परेशान भी हुआ कि मैं कैसे तो कभी सोचा ही नहीं, लेकिन फिर जब करने के लिए सोचा और बहुत समझाया कि नहीं, यू कैन डू दिस, आप कर सकते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, वो कुछ ऐसा कोई है, रॉकेट साइंस तो है नहीं, ठीक है, वो जो काम मैं दिन रात करता रहता हूँ उसी काम को कैमरे के सामने करना है, ठीक है चलते हैं। और फिर उसमें थोड़ा सा तजुर्बा बाकी भी काम आया कि हम लोग FBI में पढ़े थे,
पीएनए पास आउट होने के बाद तो कुछ शॉर्ट फिल्म्स में काम करने का और काफ़ी सारी ऐसी कैमरे के साथ एक्सरसाइजेस करने का वो काफ़ी तजुर्बा वो भी था। और प्लस उसके बाद फिर एक लंबा दौर थिएटर का जहाँ मुझे सौभाग्य मिला सलीम आरिफ साहब के साथ काम करने का, एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस उनके साथ। तो कोई हेजिटेशन उस तरीके की थी नहीं, क्योंकि मैं रोल कर चुका था यशपाल भाई के साथ, यशपाल शर्मा जी के साथ और उनके जैसे कई सारे दिग्गज आर्टिस्ट साहब, अमित बहल साहब, सबके साथ मैं काम कर ही रहा था, तो कोई हेजिटेशन तो ऐसी कुछ थी नहीं। देन आई डिसाइडेड कि ठीक है मैं भूमि करता हूँ। तो फिर मैंने भूमि की और भूमि करने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ ठीक है किया जा सकता है, अच्छा है। तो तब मैंने डिसाइड किया और तब अब भी मतलब मैं आपको सच बताऊं तो मेरा ज़्यादातर मन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने में ही लगा हुआ है आज भी। अभी मैं एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन में हूँ नोएडा और वहाँ बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, बच्चों के साथ अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जो कुछ मेरे स्तर से उनको दिया जा सके, उनको समझाया जा सके, उतना पूरी तरीके से उन तक पहुँचे। क्योंकि अभी जो दौर है ना दोस्त, वो अजीब किस्म का दौर है। अभी वो दौर है शॉर्टकट्स का, आप टैलेंट हंट्स और इस तरीके की चीज़ें देख के यूट्यूब और यूट्यूब पर चार वीडियोस को कॉपी करके या किसी भी उस कंटेंट से कोई मतलब नहीं है ना कि क्या कंटेंट दिया जा रहा है, वो कंटेंट कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटाइज हो, वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचे, लाइक कैसे बढ़ें, बच्चों का कंसंट्रेशन उस तरफ है, बच्चों का सारा ध्यान उस तरफ है, बनस्पत के जो जो एग्जैक्टली आर्ट है जिसे हम कला कहते हैं ना, एक एक्टर के लिए किन चीजों को समझना जरूरी है, फिल्मों को करने के लिए क्या समझ, क्या पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, कितनी नॉलेज की जरूरत है, वो सबको दरकिनार करके अब सिर्फ और सिर्फ फेमस होने के लिए बच्चे काम कर रहे हैं, उस तरीके का एक माहौल अजीब सा है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं, क्योंकि हम लोग ओल्ड स्कूल न्यू स्कूल दोनों के बीच की कड़ी है, तो जितना ज्यादा नए बच्चों को एग्जैक्टली बता सकें कि क्या होना चाहिए, बस उसी तरह जो जद्दोजहद में आज भी हैं। बीच में मुझे ऑफर मिला आश्रम के लिए भी, मेरा सौभाग्य था कि प्रकाश झा सर जो अपने आप में एक लिविंग लेजेंड है, उनके साथ काम करना मतलब बहुत बहुत फॉर्चुनेट हूँ मैं कि उनके साथ काम करने का मौका मिला। उन्हीं के साथ एक और फिल्म है मेरी, मट्टू की साइकिल, जो अभी रिलीज होना बाकी है, तो वो भी आ रही है। बस इतना ही है, बाकी देखा जाए। सर, इस बात से कितना आप एग्री करते हैं कि इस वक्त जो न्यू जनरेशन है, जैसे आपने कहा कि लाइक्स ज्यादा चाहिए, कि दौड़ चल रही है सोशल मीडिया पे, तो कहीं ना कहीं एक भटकाव आ गया है, एक अच्छा कंटेंट देने की बजाय कि लाइक्स आने चाहिए, किसी भी तरीके से आने चाहिए, चाहे वो कपड़े उतार के आ रहे हैं या फूहड़ता दिखाकर आ रहा है या किसी भी तरीके से। ये बिल्कुल है, आप देखिए अगर हम कंपैरिजन करें, आप कोई भी पाकिस्तानी सीरियल उठा के देखिए, ठीक है, चाहे वो हम सफर हो, है ना, या बहुत सारे ऐसे सीरियल्स हैं, मैंने कई सारे सीरियल, आप उनका कंटेंट देखिए और दूसरी तरफ पैरेलली आप इंडियन कंटेंट देखिए, बिना गाली गलौच, ठीक है, और बिना आप अश्लील हरकतों के किसी वेब सीरीज की कल्पना नहीं कर सकते। जिस दौर में ज्यादा लाइक, ज्यादा रीच बढ़ाने के लिए आप जो दिल में आता है वो वेब सीरीज या आज का जो कंटेंट है उसमें डालते आ रहे हैं, ठीक वहीं पंचायत जैसी वेब सीरीज भी बनती है, कमाल वेब सीरीज, आम आदमी जैसी वेब सीरीज भी बनती है, है ना, वहीं गुल्लक जैसी वेब सीरीज भी बनती है, गुल्लक जैसी, है ना, और अगर आप फिल्मों की बात करें तो राम प्रसाद की तेरी भी बनती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बात ये है कि हमें क्या पसंद है, यूथ बिजनेस है, ये तरीके पूरी तरीके से बिजनेस ही है ना, और अब आर्टिस्ट का भी क्या करें, क्योंकि जो भी कंटेंट है वो इसीलिए बन रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा बिक सके, बिकेगा मोबाइल पर। आज मतलब अभी वो दौर था कि आपको अगर सिनेमा देखना है या टेलीविजन देखना है तो आपको फैमिली के साथ ही बैठ के देखना पड़ेगा, या आप देख रहे हैं तो कोई भी आके बीच में आपको टोक सकता है। आज वो दौर है कि मोबाइल पर आपने कुछ भी लिया और किसी कोने में बैठ के उसको देखने लगे,
तो कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई आपकी मॉनिटरिंग नहीं है। तो हमें सोचना पड़ेगा कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि हम किस तरफ ले जा रहे हैं यूथ को, या और यूथ समझने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि अब स्कूल्स ने समझाना बंद कर दिया, अभी पेरेंट्स ने समझाना बंद कर दिया है ना। और मुझे तो लगता है कि पेरेंट्स भी उसी दौड़ में हैं काफी सारे कि मेरा बच्चा कैसे जल्दी से जल्दी ज्यादा फेमस हो, ज्यादा जल्दी से जल्दी उसे कैसे हाइप मिले। हर आदमी जल्दबाजी के दौर में है, और जल्दबाजी तो जल्दी का खेल शैतान का एक पुरानी कहावत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। कुछ एक्टर से बात होती है, जब उनसे बातचीत होती है गालियों के बारे में या अश्लीलता के बारे में, तो उनका कहना होता है कि, वैसे हम सुनते आ रहे हैं सालों का और सच भी है, कि सिनेमा समाज का एक आईना है, तो जो समाज में हम देख रहे हैं वही हम परोस रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ गालियां या फिर अश्लीलता ही है समाज में, बहुत और अच्छी चीजें भी हैं जो दिखाई जानी चाहिए, तो इस बात पर आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, मैं वही बात कहता हूं, मुझे नहीं लगता कि, देखिए सब समझदार है, बच्चे भी बहुत समझदार हैं, बड़े भी बहुत समझदार हैं, जवान भी समझदार हैं और बुजुर्ग भी समझदार हैं। एक वो दौर भी था जब आपको अगर सिनेमा में कोई किस सीन दिखाना होता था तो हीरो हीरोइन नजदीक आते थे और एक फूल हिल जाता था, लोग समझ जाते। बिल्कुल ठीक है। अब जब आपने ठान ही लिए कि वो फूल हटा के एग्जैक्टली क्या होता है वही दिखाना है, तो फिर अब जब आपने ठान ली तो भाई फिर तो कोई मतलब ही है ना। हमने कई सारे ऐसे शूज किए हैं, हमने कई बार ऐसा किया है जब हमें कहीं, अब थिएटर में भी हमें कहीं गाली का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती थी, तो हम गाली कुछ ऐसी बना लेते थे कि उसको बोलने का तरीका तो वही होता था जो गाली बोलने का है, लेकिन शब्द वो नहीं होते थे। शब्द वो दर्शक समझ जाता है, दर्शक समझ जाता है, वो समझदार है। पर जब आपने बीड़ा ही उठा लिया है कि नहीं हम तो एग्जैक्ट दिखाएंगे जैसा होता है, उस डेप्थ तक दिखाएंगे जितनी डेप्थ तक होता है, तो ये कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब है नहीं जहां तक मुझे लगता है। और ये तो ये है कि भाई ठीक है आप दिखाएंगे तो देखे बेचिए। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं एक बिजनेस बनकर रह गया कि किसी तरीके से ब्लॉग कितना पैसा हमने कमाया हमारी उसी तौर पर हिट या फ्लॉप माना जाता है। Exactly. जी, थिएटर की बात करेंगे सर, आप एक बेहतरीन नाटक लेकर आए थे जो मैंने देखा था, बहुत कमाल का प्ले था, और वो एक ऐसा प्ले था कि एक मिनट के लिए भी नजरें नहीं हटती हैं और एक मिनट भी ऐसा नहीं जाता कि इंसान हंसा ना हो, पूरा बांध के रखने वाला, और अगले पल क्या होने वाला है, क्या घटना घटने वाली है, दर्शक सांस रोककर सिर्फ प्ले देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये तो नाटक की तासीर ही है, ये तो नाटक की बेसिक डिमांड ही है। अगर आपका नाटक ऐसा नहीं है कि दर्शक उसे देखने पर मजबूर हो जाए, या वो भले ही उसका कंटेंट भी कितना हल्का क्यों ना हो, वो एक बहुत हल्के फुल्के हंसी मजाक पर ही बेस्ड क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी एक्टर ये एंटिसिपेट ना कर पाए ना, प्रेडिक्ट ना कर पाए कि आगे क्या होने वाला, यही तो थिएटर, यही तो फिल्म है। बिल्कुल, तो ये तो बेसिक क्वालिटी है कि नाटक दर्शक को बांधे अगर रख पाता है तो ही वो अच्छा नाटक है। अगर दर्शक उठ के चला गया तो फिर नाटक किस बात का, तो फिर तो आप सिर्फ लकीर पीट रहे हैं रंगकर्मी होने की। जी, कि मैं एक रंगकर्मी हूं, मैंने एक नाटक किया, उस नाटक ने कितने लोगों को बांधा, क्या दर्शकों को एंटरटेन किया, है ना। एंटरटेनमेंट की क्राइटेरिया से फर्क हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट। तो ये बस एक मकसद यही था कि हम पहली बार सर आए हमारे साथ, हम नए बच्चे थे जो एक नया शो तैयार करके पहली बार परफॉर्म करने जा रहे थे, तो उनके लिए भी एक बड़ा मोटिवेशन था कि परफॉर्म किया एक नई जगह पर नए लोगों के बीच, और डेफिनेटली बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था हमारा अपने रंगमंच स्टार के साथ, मनीष जोशी जी के साथ, जो उन्होंने हमें ऐसा मौका दिया। जी, ऑब्जर्वेशन कहा जाता है सर कि एक बेहतरीन टूल होता है एक्टर के लिए
तो आप किसी कैरेक्टर को ऑब्जर्व करते हैं तो किस तरीके से आपकी ऑब्जर्वेशन का तरीका रहता है, मैं चाहूंगा कि आप जरूर साझा करें हमारे साथ। देखिए, ऑब्जर्वेशन के लिए ये कोई शॉर्ट टर्म प्रोसेस है नहीं समीर में। आपको हम लोग बड़े आसानी से कह देते हैं कि आप इसको देखो, देख के समझो, जानो। ये कोई शॉर्ट टर्म प्रोसेस है नहीं, इट विल टेक टाइम, वक्त लेगा। धीरे 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 आप कोई चीजें देखते हैं, उसको प्रैक्टिकली करते हैं, फिर कुछ नया देखते हैं, फिर कुछ खुराफात करते हैं। तो बेसिकली ये सब खुराफात हैं। हर एक इंसान की आवाज फर्क है, उसकी बोलचाल का तरीका फर्क है, उसके कपड़े पहनने का तरीका फर्क है, उसके दिमाग में किसी चीज को आना और उसके बाद डिलीवर होना उसका थिंकिंग प्रोसेस अलग है, है ना। तो कई मायनों में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं आप। और सबसे पहला जो ध्यान आपका जाता है वो जाता है चाल पर, आपके पहनावे पर, है ना, बातचीत करने के तरीके पर। ये तीन बेसिक चीजें हैं किसी भी कैरेक्टर को समझने के लिए। तो मैं तो जब ऑब्जर्व करता हूं और जिस तरीके से हमेशा याद करने की कोशिश करता हूँ, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको अब एक नया करेक्टर करना है तो इसलिए आप ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए। आपको आम जिंदगी में भी अगर आप एक अभिनेता हैं या एक निर्देशक हैं तो ऑब्जर्वेशन 24/7 चालू रहता है। आपको जब भी कोई नॉर्मल से हटके कोई भी चीज मिलती है तो आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, और नॉर्मल चीज भी मिलती है तो नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन का हर एक का अपना अपना तरीका भी हो सकता है। मैंने आपको एक बेसिक बातें बताई जो सब पर लागू होती हैं, और कई सारी फर्क बातें भी हैं। बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं अक्सर जिसकी वजह से भटकाव हो जाता है कहीं ना कहीं। तो पहली सीढ़ी जिस पे कदम रखना होता है वो यंग जनरेशन कैसे शुरुआत करे अपने एक्टिंग तौर करियर की? देखिए, अगर मैं सजेस्ट करता हूं हमेशा बच्चों को तो यही सजेस्ट करता हूं कि आपकी, अगर आपको एक अभिनेता बनना है, आपको एक्टिंग, थिएटर, फिल्म या डायरेक्शन इस फील्ड में ही अपना करियर आगे बनाना है तो सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए, आपको देखना चाहिए। पढ़ना और देखना, ये शुरुआत। जब ये दो चीज आप करेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर क्यूरियोसिटी बनेगी, है ना। आपको अगर थिएटर देखने को मिलता है तो पेरेंट्स से हम कहेंगे कि वो बच्चे को लेकर जाए, है ना, अगर उसका इंटरेस्ट है इस फील्ड में। और दूसरी चीज, उसे बेसिक लिटरेचर पढ़ने को दें। वो कविताएं पढ़े, वो नया म्यूजिक सुने, पुराना म्यूजिक सुने, ठीक है, वो कहानी पढ़े, वो उपन्यास पढ़े, छोटी छोटी चीजें पढ़ना शुरू करें और उसके बाद देखना शुरू करें। ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन जब उसके दिमाग में आएगा, वही ऑब्जर्वेशन वाली बात है। क्या हम जिसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं, जब आपने किसी चीज को ऑब्जर्व किया, नए तरीके से देखा, तो आपके दिमाग में उसे सुनने, उसे समझने की क्यूरियोसिटी पैदा होगी ना। बिल्कुल सर। तब आप वैसा करना शुरू करेंगे जैसा कि आप चाहते हैं। तो अब आपने देख लिया कि इस तरीके से थिएटर होता है, स्टेज पर ऐसे एक्टर होता है, तो अब आप वो करना शुरू करें। और फिर उसके बाद बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है सही टीचर। बिना टीचर के काफी भटकाव के दौर से बच्चे गुजरते हैं मैं देखता हूं। और टीचिंग में भी मैं तो कहूंगा कि एक आप मतलब स्टूडेंट के तरीके से भी और पेरेंट्स की तरफ से भी, मैं दोनों से ही ये हमेशा कहता हूं कि आप पहले जज करें कि जिस टीचर के आप पास आप जा रहे हैं, टीचर किस तरीके का है ना, उसकी खुद की नॉलेज कितनी है, वो कितना डेडिकेटेड है आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए। क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है देखते हुए कि जो एक्टर नहीं बन पाता वो डायरेक्टर हो जाता है ना, जो एक्टिंग नहीं कर पाता या एक्टिंग में जिसकी गाड़ी नहीं चली तो वो एक्टिंग का टीचर बन जाता है। हमारे साथ ही लागू नहीं होता, इसलिए मैं ये बात कह सकता हूँ क्योंकि मैं नहीं गया था कभी, मैं तो शुरू से एक ही काम करता था, है ना। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ और मैं देखता भी हूँ कि एक्टिंग बने थे, चले थे एक्टर बनने के साथ, चलो एक्टर बनेंगे तो वही चले जाएंगे,
और फिर कुछ हुआ नहीं, दाल गली नहीं, तो नाउ वो एक्टिंग के टीचर है। अच्छी बात है कि अच्छी टीचर है, उसमें बुराई नहीं, लेकिन आपका डेडिकेशन कितना है सिखाने के प्रति? बिल्कुल है ना, जब बच्चा पूछे तो क्या आप खुद करके उसको दिखाने के लिए सक्षम है, ये सिर्फ कहना जानते हैं कि ऐसे कर दो या ऐसे कर लो या ऐसा चाहिए, कैसा चाहिए करके दिखाओ, दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखा सकते हो, सुर लगाओ बेटा, आप लगा के दिखा सकते हो बच्चे को, है ना? तो बड़ा बड़ा मुश्किल दौर है, नाराज हो जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आप जब खुद परफॉर्मर हैं तो ही आप परफॉर्म करना सिखा सकते हैं। आपको खुद परफॉर्म करना नहीं आता लेकिन सिर्फ आप सिखा सकते हैं, सिखाते ही हैं, खुद कुछ नहीं करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा ही सलाह देता हूँ बच्चों को कि इस बात के लिए जज करें, पैशन देखें, टीचर का भी पैशन देखें कि वो कितना पैशनेट है सिखाने के लिए। पढ़ाना आर्ट है, किसी को सिखाना एक कला है ना, वो इतना दोयम दर्जे का निकृष्ट काम नहीं है कि जब दुनिया में कुछ नहीं हुआ तो चलो सिखा देते, सिखाना शुरू कर दो, नहीं, मुझे लगता है वो गलत है, वो नाइंसाफी है बच्चों को। बिल्कुल, आपकी बात सुनकर सर मुझे कुमार विश्वास जी की एक बात याद आ रही है कि अगर मैं कवि नहीं होता तो एक बुरा टीचर होता। कितने बच्चों का भविष्य मैं खराब कर रहा होता, मुझे खुद को भी नहीं पता, तो ये भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने समय रहते मुझे अक्ल दे दी और मुझे कवि बना दिया। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है जी। थोड़ा सा सर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आश्रम वेब सीरीज की, जिस वेब सीरीज ने आपको बहुत सारे लोगों के दिलों तक पहुंचाया है, उस कैरेक्टर की जो आपने निभाया है, तो मैं चाहूंगा कि किस तरीके से पहली वो कॉल कौन सी थी जब आपको पता चला कि आपको ऑफर मिला आश्रम वेब सीरीज के उस रोल के लिए? देखिए, आश्रम करने से पहले मैं मट्टू की साइकिल कर चुका था प्रकाश झा सर के साथ जी, और तो मेरे साथ उनका एक बॉन्डिंग थी, है ना, मुझे नजदीक से देख चुके थे, और क्योंकि मैं कोई बड़ा सिनेमा या टेलीविजन का कोई बड़ी हस्ती नहीं था या मेरे पास इतना बड़ा कोई ऐसा तजुर्बा नहीं था, तो मुझे जानते थे मेरा कैलिबर कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता, तो जो क्रेडिट है वो सिर्फ प्रकाश झा सर को ही जाता है, क्योंकि हमने मच्छू की साइकिल जो शूट की वो यहाँ मथुरा के पास शूट हुई, और एक लंबा 12-15 दिन लगभग मैं उसमें रहा शूट में, वो फिल्म खत्म करने के बाद मैं वापस अपनी दुनिया में, और हम लोग शोज की तैयारी कर रहे थे, थिएटर कर ही रहे थे, एक दिन अचानक से फोन आया, और वो डायरेक्ट प्रकाश झा सर का ही फोन था, और कल आ जाओ, कल से शूट है, तुमको एक अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, हम जल्दी है, और हम अयोध्या पहुंच गए, और पता लगा कि ये कैरेक्टर करना है, बस उसके अगले दिन से शूट शुरू, काम शुरू। तो बस इतनी सी ही जर्नी थी, कोई उसमें कोई ऐसा बड़ी मशक्कत या ये कुछ कुछ, सिर्फ सत्ता विश्वास, क्योंकि तो उनको लगा होगा कि मैं कर सकता हूँ, तो इनवाइट कर लिया। तो सर जब प्रकाश झा जी ने आपको डायरेक्ट कॉल करके बुला लिया कि आपके लिए एक बेहतरीन कैरेक्टर है, लेकिन जब आपको ये पता चला कि आप ये रोल करने वाले हैं, एक ट्रांसजेंडर का रोल है और जो हॉस्टल वार्डन है, तो उसके बारे में आपने क्या, क्योंकि वही बात फिर से आ जाती है कि ऑब्जर्वेशन वाली, क्या आपके माइंड में पहले से कोई ऐसा कैरेक्टर आपने ऑब्जर्व किया था कभी, या फिर आपने कैसे इसको हैंडल किया? देखिए, कोई मेरे दिमाग में ऐसी कोई कैरेक्टर नहीं था, मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ एक रात मिली है सोचने के लिए कि मैं क्या करने वाला हूँ कल, ठीक है, आज मैं सेट पे हूँ और मुझे कल से मेरा शूट शुरू है, और सिर्फ आज भर का मेरे पास टाइम है वो गेटअप लेने के लिए, इस गेटअप से उस गेटअप में ट्रांसफॉर्म होने के लिए सिर्फ एक ही दिन, और एक रात है, मैं जितना चाहूँ सोच लूँ, ठीक है। तो अब ऐसे वक्त में यही मैं जब ट्रेनिंग की बात करता हूँ तो मैं यही बात करता हूँ, आपका दिल लगा के काम करने की बात करता हूँ तो मैं इसीलिए ये बात करता हूँ, ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है कि मुझे सिर्फ एक रात मिली, और इस एक रात में मैंने क्या सोचा होगा, बहुत सिंपल सी बात है, क्या होता है एक ट्रांसजेंडर, ठीक है, ऑलमोस्ट किस तरीके से वो चलता है, किस तरीके से बात करता है, उसमें क्या
महिलाओं के क्या तत्व उसमें शामिल रहते हैं, मैं आवाज के साथ क्या कर सकता हूँ। तो आवाज के साथ बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। वार्डन हूं तो वार्डन है अगर, तो वो सारी हरकतें भी नहीं कर सकता जो नॉर्मली ट्रांसजेंडर्स को लेकर होती हैं, और वो जिस तरीके से कैरिकेचर के तौर पर हर फिल्म में या हर जिसने भी कभी वो रोल किया होगा तो उन अदाओं का और उस तरीके की हरकतों का इस्तेमाल किया होगा। तो क्योंकि मैं एक वार्डन हूँ इस सीरीज में, तो उसका रुतबा, उसका अपना एक डेकोरम है, वो आपको मेंटेन करना ही करना। यही सारी चीजें सोच के मैंने एक डिसिप्लिन्ड ट्रांसजेंडर बनने के लिए कोशिश की, और साथ में ये साबित भी आपको करना है कि यू आर ए ट्रांसजेंडर। उसके लिए मैंने जो रास्ता अपनाया वो उसकी चाल और सिर्फ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के अलावा आपके पास कोई दूसरा हथियार नहीं है अपनी बात को सिद्ध करने। तो एक्सप्रेशन ही वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एक एक्टर के लिए, जो आपके कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करता है। आप किसी भी बड़े अभिनेता को देख लीजिए, नसीर साहब से लेके आप पुरी साहब से लेकर अमरीश पुरी साहब तक, कोई भी जो एक समझदार अभिनेता है, एस्टैब्लिश्ड लोग, अगर न्यू कमर्स हैं तो वो हमेशा मेरे नजरिए से देखने की कोशिश करें उनके एक्सप्रेशंस पर फोकस करें। आप देखें कि चेहरा आधी बात कह देता है, बाकी आधा पार्ट रह जाता है, जो बाकी जिसमें पूरी दुनिया शामिल है वो आधा पार्ट है, लेकिन आधा पार्ट सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन ही किसी कैरेक्टर को बहुत पुख्ता तरीके से एस्टैब्लिश करते हैं। सर, आपने वो कैरेक्टर इतने बेहतरीन तरीके से निभाया है कि वो ट्रांसजेंडर है लेकिन उसके बावजूद भी एक बुलंद शख्सियत है, एक रॉब है पूरा हॉस्टल के अंदर वो दिखाई देता है, और जिस तरीके से आपने निभाया, तो जब आप हिसार आने वाले थे तब किसी ने पता नहीं वैसे ही मुझे बोला कि वो सच में ट्रांसजेंडर ही है और वो कैरेक्टर इसलिए उनको मिला। तो जब आपकी स्टेज पे एंट्री होने वाली थी तो मैं वैसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था कि डिम्पी मिश्रा जी आने वाले हैं, लेकिन जब आप स्टेज पर आए मेरे नाम से भी आपने थोड़ा अंदाजा लगा लिया होगा। हाँ, थोड़ा सा इस चीज का भी प्रभाव रहा, मैंने कहा कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन जब आप आए और फिर आपने शेयर किया और फिर आपका वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिला, तब समझ में आया कि किस तरीके से आपने वो कैरेक्टर निभाया। होता है तो, मेरे साथ कई बार हुआ भी, इवन शूट का भी मेरा इतना कमाल का एक्सपीरियंस है कि जिस दिन मैं पहुंचा उस वक्त मुझे ओरिजिनली किसी ने नहीं देखा क्योंकि मैं कोई नोन फेस नहीं था, और उसके बाद जब मैं गेटअप लेके बाहर आया एक दो ढाई घंटे के मशक्कत के बाद, वो मेकअप हुआ, गेटअप पूरा लिया, बाहर आया, तो उसके बाद मैं सेट पर औरों से दो घंटे पहले पहुंचता था और सबके जाने के एक घंटे बाद मेरा पैकअप होता था। तो तब कमाल की बात ये थी कि लगभग 6 से 7 दिनों तक, ऑलमोस्ट 50 दिन हम शूट पर रहे, और 5 से 6 दिन बाद लोगों को धीरे 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 करके पता चला कि मैं वाकई में भाई एक आदमी हूँ जिसकी मूछें हैं, जिसकी आवाज थोड़ी भारी है, और मेरी कोई ऐसी हरकत नहीं है, मैं कोई ऐसी हरकतें नहीं करता, मेरे शरीर में कोई ऐसी लहक नहीं है, ठीक है, मैं आम जिंदगी में एक फौजी की तरीके की जिंदगी जीता हूँ, 5 साल एनसीसी कैडेट रहा हूँ, तो जी मेरे जीवन में कहीं वो हरकतें नहीं है, सिर्फ एक एक्टर होने के नाते वो मैंने करने की कोशिश की। तो 5-6 दिन बाद लोगों को पता लगा, अदरवाइज तब तक 6 दिन तक वो मुझे ट्रांसजेंडर ही समझते रहे क्योंकि वो पूरे दिन उसी कैरेक्टर में रहता था, वैसे ही चलता था, वैसे ही मजे लेता था उस कैरेक्टर के मतलब पूरी तरीके से उस कैरेक्टर को आप जी रहे थे अंदर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मजा है। जी बिल्कुल सर, इस बात से आप, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा मार्गदर्शन करें कि जब हमें कोई कैरेक्टर करने को मिलता है तो जब हम वो कॉस्ट्यूम पहनते हैं तो एक फील हमें आता है, जैसे कोई बिल्कुल बिल्कुल गरीब आदमी है और उसे कोई मिलेनियर या करोड़पति का कैरेक्टर निभाने का मौका मिला। जैसे यशपाल जी का मैं एक किस्सा शेयर करना चाहूंगा, अभी कुछ दिन पहले ही यशपाल जी ने बताया था कि स्ट्रगल का टाइम था, उस टाइम पे पैसे नहीं होते थे और उस वक्त एकता कपूर का एक सीरियल मिला जिसमें मैं 300 करोड़ के मालिक का किरदार निभा रहा था, फोटो से आता था, और फिर उस टाइम में जितेंद्र जी के जितने भी कपड़े थे वो सारे मैंने पहने
और जैसे ही मेरा पैकअप हो जाता था मैं वही अपनी पैंट शर्ट पहनता था और कहता था यार मुझे ऑटो के लिए किराया तो दे दो। ठीक है तो मैं बहुत ही जमीन से जुड़े आदमी है वो, उन्होंने बिल्कुल सही बताया होगा आपको। बिल्कुल सर बिल्कुल। अगर कोई कैरेक्टर प्ले करना है तो उस फील्ड में आने के लिए अगर हम थोड़े टाइम पहले वैसा ही रहन सहन रखें या फिर वैसा ही कपड़े पहनकर थोड़ा सा उस कैरेक्टर को फील करें तो सर मैं चाहूंगा इस बारे में आप जरूर कुछ कहें। देखिए कॉस्ट्यूम वाकई में एक बड़ा रोल अदा करती है, इसमें कोई शक नहीं। कॉस्ट्यूम आपका एक ऐसा सपोर्टिंग एलिमेंट है जो आपके कैरेक्टर को रैंडमली क्रिएट कर देता है ना, एकदम से आप उस जोन में चले जाते हैं आप कपड़े, और बड़ा फर्क पड़ता है कपड़ों का, बहुत फर्क पड़ता है ना। एक बहुत नॉर्मल सी बात है कि आप अगर बहुत साधारण से कपड़े पहन के बिना प्रेस किए और बड़े नॉर्मल से कपड़े पहन के कहीं जा रहे हैं, किसी मिलने जा रहे हैं या किसी बड़ी गैदरिंग में जा रहे हैं, है ना, किसी मीटिंग में जा रहे हैं, और अगले दिन आप वेल स्टार्ज्ड वेल प्रेस्ड कपड़े पहनकर फिर एक दूसरी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, दोनों दिन आपके कॉन्फिडेंस लेवल में फर्क आ जाएगा। बिल्कुल होता है क्योंकि हम लोग का क्या, हम लोग आर्टिस्ट लोग ऐसे ही होते हैं भाई, मैं खुद कभी परवाह नहीं करता कि हाँ प्रेस किया या नहीं किया या क्या है, तो मैंने कभी परवाह नहीं, लेकिन उस दिन परवाह करनी पड़ती है जब आपको अपने आप को शो करना है, आप किसी ऐसी गैदरिंग में जा रहे हैं, है ना, जहां फर्क पड़ता है कि हाँ आपके कपड़े प्रेस हो, तो आपको करने चाहिए वहां ये एटीट्यूड रखना कि नहीं सब हम नहीं करेंगे, तो ठीक है मतलब कभी करना चाहिए। और एक्टर के लिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो कॉस्ट्यूम को समझे, कॉस्ट्यूम के फील को समझे, कैरेक्टर के साथ उसका कॉस्ट्यूम किस तरीके से जा रहा है, कितना सपोर्ट कर रहा है, ये बात को समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए आप अगर राजा का रोल कर रहे हैं और आपके पास कॉस्ट्यूम राजा वाला नहीं है, आप पैंट शर्ट पहन के राजा बन जाइए, लाख बन जाइए, है ना, बिल्कुल, पर वो फील आपको नहीं आएगा जो एक राजा की कॉस्ट्यूम में, तो ठीक वैसे ही है, बिल्कुल ठीक कहा है पर भाई, ये फील की बहुत बहुत बड़ा रोल है फील क्रिएट करने में कॉस्ट्यूम का। जी सर, एक्टर होने के साथ साथ आप बेहतरीन सिंगर भी हैं, आवाज का जादू बिखेरते हैं, तो वो समय बन जाता है कि हर कोई बस स्तब्ध होकर आपको सुनना चाहता है, ऐसा माहौल मैंने देखा है थिएटर फेस्टिवल के दौरान जब आपने गाना गाया था, और आपने एक बात कही थी कि अभी जो मैं गाना सुनाने जा रहा हूँ उसे कोई रिकॉर्ड नहीं करेगा, और मुझे आज तक उस बात का अफसोस है कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। देखिए थिएटर की यही खासियत है, अभी तो हम एक ऐसे दौर में हैं कोरोना की वजह से जहां हम कहते हैं कि ठीक है रिकॉर्ड कर लो कुछ तो याद रहेगा, या कम से कम रिकॉर्ड कर लेंगे तो इंटरनेट के माध्यम से अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचेगा। तो लेकिन थिएटर की एक यही मैं कहता हूं कि खासियत है कि रिकॉर्ड करने के बाद थिएटर खत्म हो जाता है, जो लाइव है वो लाइव है। आप सोचिए ना कि इतना रिकॉर्डेड मटेरियल बड़े बड़े सिंगर्स की आवाज में आपके पास है, लेकिन फिर भी आप लाइव कॉन्सर्ट देखना पसंद करते हैं, क्यों? बिल्कुल सर बिल्कुल। जगजीत सिंह साहब के इतने कैसेट्स, इतने सीडी प्लेयर्स, सीडीज, और इतना मटेरियल इंटरनेट पर मार्केट में अवेलेबल है, फिर भी जगजीत साहब के लाइव कॉन्सर्ट होते हैं, क्यों? आप सोनू निगम साहब को इतना सुन सकते हैं लेकिन उनका लाइव कॉन्सर्ट की बात अलग है। तो ये वैसा ही एक आर्ट को लाइव देखना और एक उसे रिकॉर्ड कर लेना, दोनों में बड़ा फर्क है। रिकॉर्डिंग की टेक्निक अलग है, उसकी फील अलग है, लाइव की टेक्निक अलग है, उसका फील अलग है, उसका सुनने का अंदाज नजरिया अलग है, उसको महसूस करने का नजरिया अलग। बस इसी नाते मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब वर्कशॉप में हूँ या कभी दर्शकों से मुखातिब हूँ मैं स्टेज पर, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना वक्त आप वो रिकॉर्ड करने में लगाएंगे उतना वक्त उस वक्त जो परफॉर्म कर रहा है उसके परफॉर्मेंस का स्वाद लेने में लगाएंगे, उसको रस, उसका रस लेने में लगाएंगे, है ना, हमेशा यही कहा जाता है। तो सर आपसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि अपने थोड़े से मधुर स्वर से कुछ निकालें और हमारे दर्शकों के लिए कुछ सुना दीजिए प्लीज। हमारा एक नाटक है जिस लाहौर ने बिकया, आदरणीय असगर बजाज साहब का लिखा ये नाटक है, तो
उसके कुछ गीतों को हमने कंपोज किया, उसमें कुछ नया कुछ और फील के साथ उसको लाने की कोशिश की है। उसी का एक गीत मैं आपको सुना देता हूँ। का सुराग लेकर गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो मुझे तो हैरान कर गया वो गए दिनों का सुराग लेकर वो मैं कदे को जगाने वाला वो रात की नींद उड़ाने वाला सदा रहे उसका नाम प्यारा सुना है कल रात मर गया वो सुना है कल रात मर गया वो सुना है कल रात मर गया वो गए दिनों का सुराग लेकर। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन। दिल करता है कि आपको बस ऐसे ही निरंतर सुनते रहें और ये समय कभी रुके ना। थैंक यू सो मच सर। गुलजार साहब के साथ आपने थिएटर किया है, बहुत ही अक्सर लोग कहते हैं कि जब भी उनका नाम लेते हैं तो कानों को हाथ लगाते हैं, और सच में वो इस काबिल हैं कि हर कोई उन्हें सुनना चाहता है, उनके साथ काम करना चाहता है। आप उन लकी पर्सन्स में से रहे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, मैं चाहूंगा कि आप शेयर करें प्लीज। इट्स अ लाइफ टाइम अचीवमेंट मुझे कहना चाहिए, मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत यही पिछले 10-12 साल का दौर रहा, इसमें मुझे सबसे ज्यादा सीखने। आप जब अपने से कद में बहुत बड़े किसी इंसान के साथ काम करते हैं या उससे मिलते हैं या सिर्फ उनकी बातें भी सुन लेते हैं तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। तो मैं यही कहूंगा कि आदरणीय सर हमारे सर के थ्रू उनकी बदौलत मुझे गुलजार साहब से मिलने का मौका मिला, क्योंकि उन्हीं के डायरेक्शन में गुलजार साहब के सारे नाटक हमने किए। मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय यशपाल भाई भी साथ भी मुझे कई बार स्टेज शेयर करने का मौका मिला, तो वो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस भी है और मेरे लिए तो अचीवमेंट भी है। कितने लोग हैं जिनको ये मौका मिलता है कि आप एक इतने बड़े वट वृक्ष के छांव में आपको कुछ वक्त बिताने का मौका मिले, है ना। तो ये वाकई में हमारे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि उनकी लेखनी इसकी पूरी दुनिया कायल है, जो उन्होंने लिखा अद्भुत है, अविस्मरणीय है। और करीब 3-4 उनके ऐसे शोज थे, लकीरें, खराशें, अठन्निया मुंबई महानगर की, और पांसा फाइनली जो हम करते आ रहे हैं पिछले 7 साल से। कमाल का एक्सपीरियंस है, तो किन शब्दों में शेयर किया जाए वो शब्द भी नहीं है हमारे पास। वो गीत, वो संगीत, और जिस तरीके से सलीम आरिफ साहब का डायरेक्शन है, वाकई में एक अद्भुत अद्भुत एक्सपीरियंस है। जी तो सर, जो बहुत नए बच्चे हैं जो आना चाहते हैं एक्टिंग लाइन में, अगर वो कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं, कि मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा उनके लिए आप मार्गदर्शन करें कि वो कहाँ से एक्टिंग प्रोफेशनली एक्टिंग सीख सकते हैं। देखिए, देश में इस वक्त 3 स्कूल हैं सरकारी। पहला नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जैसा कि सब जानते हैं, दूसरा भारतीय नाटक अकादमी, और तीसरा मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल। तो दिल्ली, लखनऊ और भोपाल, ये 3 ऐसी जगह हैं जहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास उतनी तैयारी हो, क्योंकि स्कूल्स में ऐसे ही एडमिशन होता। आपने अगर पहले से 5-6 साल पहले से तैयारी अगर नहीं शुरू की है तो अब मुश्किल है कि आपका एडमिशन ना हो, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। 3 स्कूल्स को मिला के लगभग 75 सीट्स हैं, 25 25 25। दूसरे 2 स्कूल अगर आप सिनेमा के क्षेत्र में चाहते हैं तो FTI, बशर्ते कि आपका सिलेक्शन हो जाए, वहां भी बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, 10 सीट्स हैं शायद।
सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट कोलकाता, जहाँ एक्टिंग कोर्स नहीं है, बाकी सिनेमा की अदर आर्ट्स के लिए वहाँ कोर्सेज हैं। अगर इसमें से कोई भी तैयारी आपके पास नहीं है, आप इन तीनों चारों स्कूल्स में से आप लेट हैं और आप उतनी तैयारी नहीं कर पाए हैं जितनी इन नेशनल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड है, तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की तरफ जाना चाहिए, जिसमें मैं बिल्कुल बड़ी खुशी के साथ ये बात शेयर करना चाहूँगा कि AFT एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन नोएडा, जहाँ मैं हूँ अभी, तो आपको आना चाहिए डायरेक्टली। कुछ बेसिक सी बातें हैं आपसे पूछी जाएंगी और आपका एडमिशन होगा। इसी तरीके की एक दो इंस्टीट्यूट्स और भी हैं देश में, है ना, वहां भी आप अप्रोच कर सकते हैं। पर एंड ऑफ द डे मैं ये जरूर कहूंगा कि आपको एक मुकम्मल ट्रेनिंग की जरूरत है। बिल्कुल सर, प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। ट्रेनिंग के बिना अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, है ना। अगर आपके पास ट्रेनिंग है, एक सर्टिफाइड डिग्री है, तो कम से कम अगर आप ठीक है, आप कुछ तो हासिल कर पाएंगे ना। बिल्कुल, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हमारे यहाँ एशियन अकेडमी में अगर आप पढ़ते हैं, तो यहाँ जो आपका कोर्स है वो BSc सिनेमा और MSc सिनेमा। तो BSc सिनेमा कोर्स में आप सिर्फ एक्टिंग ही नहीं पढ़ते हैं, आप उसमें सिनेमेटोग्राफी भी पढ़ते हैं, आप डायरेक्शन भी पढ़ते हैं, है ना, आप कैमरा हैंडलिंग भी पढ़ते हैं, आप एडिटिंग भी पढ़ते हैं। तो ऑलमोस्ट आपको फिल्म की सारी विधाओं के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मिल जाए। बिल्कुल सर, क्योंकि तो कभी ऐसा भी होता है कि हम कभी गलती से कोई गलत फील्ड चुन लेते हैं, या आपको थोड़े दिन बाद एहसास होता है कि नहीं, मैं तो ये नहीं, ये करना चाहता था, या ये मैं ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, तो आपके पास ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो मेरा तो यही कहना है, न्यू कमर्स है उनके लिए इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। जी सर, आजकल देखा जाए कहीं पर ऑडिशन की बात आती है तो एक लंबी कतार लगती है ऑडिशन देने के लिए, और आप उन एक्टर्स में से हैं जो कभी ऑडिशन नहीं देते। नहीं, ऐसा कुछ मतलब ऐसा कोई शर्त नहीं है कि ऑडिशन देते नहीं है, बात यह है कि उतना वक्त आपके पास हो कि आप जगह जगह जाएं और ऑडिशंस दें, और सिर्फ आप वही काम कर रहे हैं, है ना। तो हम क्योंकि एक काम कर ही रहे हैं रेगुलरली, तो अगर कोई हमें अप्रोच करता है या मेरे पास कोई आता है कॉल के, तो सर इस कैरेक्टर के लिए हम आपका एक ऑडिशन चाहते हैं, तो आप इसके रिकॉर्ड करके भेज देंगे। हाँ बिल्कुल, आपकी बेसिक जिम्मेदारी है और आपको भेजना भी चाहिए। तो कैसे पता लगेगा कास्टिंग एजेंसी को या जो आपको डायरेक्ट कर रहे हैं, उन्हें कैसे पता लगेगा कि आप किस हद तक सूट कर रहे हैं उनके दिए हुए कैरेक्टर को। तो ऑडिशन तो मस्ट है, आप जब तक एक लेवल पर नहीं है जहां ऑडिशन की जरूरत नहीं होती, आप एक बड़ा नाम है, आपका एक बड़ा रुतबा है, तब तक तो आपको ऑडिशन देने ही पड़ेंगे, और देने भी चाहिए आपको पूरी शिद्दत के साथ। जी सर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। मैं हर एक्टर से जब भी मैं इंटरव्यू करता हूं तो ये सवाल मेरा रहता है कि हर इंसान की जिंदगी में एक लम्हा ऐसा जरूर होता है जिसे इंसान कभी भूल नहीं पाता, तो बात करें डिम्पी मिश्रा जी की, तो ऐसा कौन सा लम्हा है? दो लम्हे मुझे हमेशा याद रहेंगे अगर मैं रोज़। पहला वो जब मेरा भारतीय नाटक अकादमी में चयन हुआ, एक बड़ा सपना था मेरा कि मेरा सिलेक्शन हो जाए जस्ट आफ्टर माय ग्रेजुएशन, है ना, वक्त ना लगे, सालों मुझे ना लाइन में कटना पड़े। तो पहला मोमेंट तो वो था जिंदगी का, टर्निंग पॉइंट भी कह लीजिए कि आप, एक सपना था पिछले कई वर्षों का जो पूरा हुआ। और दूसरा एक बड़ा खूबसूरत मोमेंट 2018 का मुझे लास्ट ईयर जब संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट और बहुत खूबसूरत लम्हा था, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था और ना वो सोच के कभी काम किया था कि मैं इसलिए थिएटर करता हूँ या मैं इसलिए इतने जो झारूपन के साथ लगा हुआ हूँ इस फील्ड में कि मुझे एक दिन कोई अवार्ड मिलेगा, नहीं, वो कभी कभी नहीं सोचा था। और मुझे लगता है कि कोई भी इंसान अवार्ड के लिए तो काम नहीं करता, नहीं, है ना, ठीक वो काम कर लेता है तो उस नाते उसे रिकॉग्निशन मिलना, अच्छा ये भी एक बड़ी विडंबना है कि आपने मेहनत की और आपको रिकॉग्निशन मिल गया, है ना,
ये भी एक बड़ी बात है आज के दौर में। तो मेरे लिए वो एक बहुत खूबसूरत अचीवमेंट था कि मेरी 15-16 साल लगातार थिएटर करने की मशक्कत के बाद थिएटर को एस्टेब्लिश करने की अपने शहर में उसका जो रिजल्ट था वो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड के तौर पर मिला, तो वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम सर अभी इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पर हैं। बहुत सारे जीवन से रिलेटेड मैंने आपसे सवाल पूछे, कोई ऐसा सवाल जो आप जिसका आप जवाब देना चाहते हो और मैं नहीं पूछ पाया हूं, तो प्लीज आप कहिए। नहीं, मुझे बड़ी खुशी है आज कि आपने बहुत खूबसूरत सवाल पूछे हैं, और वाकई इन सवालों के जवाब न्यू कमर्स तक, जो आपकी व्यूअर्स हैं, उन तक पहुंचना मुझे लगता है कि बहुत जरूरी था। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि कभी शॉर्टकट्स की तरफ मत भागिए, प्लीज प्लीज। जितने भी समीर जी को सुनने वाले लोग हैं, जो लगातार इनके YouTube चैनल पर सबके इंटरव्यूज को देखते हैं और इनके साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मैं उन सबसे ये कहना चाहूंगा कि ये इतनी शिद्दत और ईमानदारी के साथ हम लोगों से सवाल पूछते हैं, तो हमारा भी धर्म बनता है कि हम उतनी ही ईमानदारी और शिद्दत के साथ उनके जवाब दें। मैं इस नाते सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कभी शॉर्टकट्स की तरफ मत भागिए। ये एक पढ़ाई है दोस्तों, ये एक शिक्षा है। आप जिस तरीके से बिना MBA करे एक अच्छे मैनेजर नहीं बन सकते, बिना MBBS करे कोई आपको डॉक्टर नहीं मानेगा, आप झूला छापी कहलाएंगे अगर आपने MBBS नहीं किया तो। आप अगर BTEC नहीं है तो कोई आपको इंजीनियरिंग की नौकरी नहीं देगा, है ना। तो फिर आप कैसे मान लेते हैं कि बिना पढ़े, बिना समझे, बिना कुछ हासिल किए आप एक एक्टर बन जाएंगे? नहीं पॉसिबल है। हाँ, इतना जरूर है कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमें मिल जाते हैं जहाँ लोगों ने डिग्री नहीं ली होती, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनकी जिंदगी किसी ऐसे ऐसे गुरु या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बीती जरूर होगी जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन रहा होगा, या बहुत रेयरली किसी ने बहुत थपेड़े खाकर या कहीं कैसे अपने आप को चार्ज किया होगा, अपने आप को ग्रूम किया होगा और उसके बाद वो स्क्रीन पर आया होगा। मैं फिर भी वही कहता हूँ कि आप अगर प्रॉपर चैनल के थ्रू इस फील्ड में जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, तो डेफिनेटली आप एक सम्मानजनक जिंदगी तो जी सकते हैं। स्टार स्टार तो मुझे पता नहीं कोई कौन बनता है कौन नहीं बनता, क्योंकि हम उस दौड़ में शामिल नहीं ना कभी थे। पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि आर्ट के साथ आपको कितना सुकून मिलता है ये बहुत जरूरी। आप आर्टिस्ट इसलिए बनते हैं कि आपको कितना सुकून मिलता है अपने आर्ट से। पैसा कमाने के और भी जरिए है ना, शॉर्टकट्स भी हैं, वहां से आप उतना कमा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आर्ट पहले आपको जहनी सुकून देने के लिए होती है, उसके बाद आपको विलासिताओं की तरफ ले जाती है, वो आप। बिल्कुल सर। वैसे सर कहा जाता है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अब मेरे ख्याल से ऑडियंस या दर्शक कहा जाए तो थोड़े से समझदार हो गए हैं, वो न सिर्फ स्टार को देखना चाहते हैं बल्कि वो एक अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं, और इसी का नतीजा है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, संजय मिश्रा हैं, ऐसे बेहतरीन एक्टर आजकल लीड रोल कर रहे हैं, अच्छी फिल्में बना रहे हैं और लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं, और बहुत ही छोटे बजट की फिल्में होती हैं, किसी गाँव में शूट किया गया है और वो फिल्में बहुत बड़े लेवल पर हिट कर रहे हैं और लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं, जैसे कि पंचायत आपने अभी बताया, बहुत ही कमाल की वेब सीरीज है, कोई बड़ा स्टार नहीं है लेकिन फिर भी बहुत कमाल का कंटेंट है। जी जी, बस ये तो भी गोल्डन दौर है हमारे बॉलीवुड का और इंडियन सिनेमा का, एक गोल्डन दौर ही हम इसे कहेंगे, जब इतने सारे आर्टिस्ट को रोजगार मिल रहा है, इतने सारे नए आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो वाकई में एक बहुत खूबसूरत दौर है इंडियन सिनेमा का। जी सर, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, और वाकई में आप लोगों को अक्सर ये कहते हैं कि इंसान को जिंदा दिल होना चाहिए। अगर कोई एग्जांपल देना हो तो मैं कहूंगा कि डिम्पी मिश्रा जी हैं, उनको देख लीजिए, जिंदा दिल की जीती जागती शख्सियत है। नहीं, बस कोशिश है इसी तरीके से सब जी सर ठीक ठाक रहे, बच्चे सीखते रहे, बच्चे समझते रहे, हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीते रहे। थैंक यू सो मच सर, मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आप इसी तरीके से हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और लाखों लोगों को प्रेरित करते रहें आगे बढ़ने के लिए, और जो बच्चे सीखना चाहते हैं, इस लाइन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, वो आपकी छत्र छाया में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच समीर।
बिल्कुल, आप भी अपना ख्याल रखिए कोरोना के दौर में, बस परिवार आप सब लोग बस खुश रहें, अच्छे से अपना ध्यान रखिए और लगे रहिए आप बहुत वाकई में बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और बॉलीवुड ब्रेक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।